नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की आज दिल्ली में परीक्षा। द्रौपदी मुर्मू की भाभी ने दिया उन्हें खास तोहफा। स्मृति ईरानी के बचाव में आए शिवसेना सांसद। पार्थ चटर्जी ईडी को रिमांड मिलते ही अस्पताल में भर्ती। नीरज ने रजत जीत कर रचा इतिहास। सेल्फी लेने के चक्कर में तवा डैम में फंसे 4 युवक। बाघ के लिए हाईवे पर रोक दिया यातायात। अमेठी दौरे पर कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। ब्लैक पैंथर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जैसे जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को दिल्ली में पद की शपथ लेने पर पारंपरिक संथाली साड़ी पहन सकती है। दरअसल उनकी भाभी सुकरी टूडू पूर्वी भारत में संताल महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष साड़ी लेकर दिल्ली आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बाल चलाने के आरोपों के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई हैं। उन्होंने स्मृति की बेटी जोइश ईरानी का बचाव करते हुए कहा, 18 वर्षीय छात्रा को खलनायिका की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा, 18 साल के बच्चों को तो यह भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्तरां चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें किस तरह की सजा हो सकती है। कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को बेचैनी की शिकायत के बाद शाम के समय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एजेंसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अमेरिका के यूजीन में भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रविवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर लिया। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। साथ ही इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नर्मदापुरम जिले की तवा नदी में 4 युवकों के फंसने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक तवा डैम के गेट खुलने के दौरान नदी में आ रहे थे, पानी के बीच सेल्फी लेने गए थे। इसी दौरान बांध से छूटे पानी के बीच फंस गए। राहत की बात यह रही कि ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चारों युवकों को सकुशल बचा लिया। ऐसे समय में जब जंगली जानवरों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, एक वायरल वीडियो में यह देखना सुखद था कि कैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बाघ को रास्ता पार करने में मदद की। इसके लिए पुलिसकर्मियों ने सड़क के दोनों ओर यात्रियों को रोक दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के अमेठी दौरे पर हैं। इनके जिले के प्रवेश से पहले ही पोस्टर वार शुरू हो गया। अमेठी बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने उनकी बेटी को गोवा में कथित गैर कानूनी बार को लेकर पोस्टर लगा दिए, जिस पर स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं और उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और सभी पोस्टर हटवा दिए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 260 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 149 संक्रमित मामले देहरादून जिले के हैं। संक्रमितों मामलों को देखते हुए देहरादून संक्रमण का हॉटस्पॉट बन रहा है। प्रदेश की संक्रमण दर 13.76% पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामले 1000 पार हो गए हैं। मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक पैंथर वकंडा फॉर एवर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। यह एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र ब्लैक पैंथर पर आधारित है। बता दें कि ब्लैक पैंथर वकंडा फॉर एवर 11 नवंबर 2022 को सिनेमा घर में प्रदर्शित होगी। फिल्म का ट्रेलर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया गया है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।